গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ঘটবে আগামী কলকাতা বই মেলায়। কল্যাণী কাজী প্রয়াত হয়েছেন আপনারা জানেন 12 মে 2023। কল্যাণী কাজী পরিচয় বেশ প্রয়োজন। কাজী নজরুল ইসলামের সঙ্গীত এবং তার সঙ্গীতের ধারাকে বহন করে নিয়ে যাওয়ার যে দায়িত্ব সেটি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তিনি কবি ও তার পরিবারের মানুষের সান্নিধ্য লাভ করেছেন, তার সেই অভিজ্ঞতা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। এছাড়া কল্যাণী কাজের জীবনচর্চা সম্পর্কে জানা যায় এই গ্রন্থে। কল্যাণী কাজের 10টি অগ্রন্থিত প্রবন্ধ এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রী সোমনাথ মুখোপাধ্যায় ডেপুটি ডাইরেক্টর নজরুল সেন্টার ফর সোশ্যাল এগ্রিকালচারাল স্টাডিজ কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি, তার সহচর্যে বা তার উদ্যোগে এবারে আমাদের মাননীয় সাংসদ আপনার স্বাগত করছি আমি এখানে এসে আশুতোষ ফেস্টিভ্যালতে। কিন্তু আপনার সহায়তা আমি আছি, আমি মানুষকে উপস্থিত আছেন আমাদের ম্যাজিক ম্যান পরিষ্কার গাইডলাইন মলেরা মলের ঘটনাবাবু এখানে বসে আছেন। শানদার জানদার লোকপ্রিয় এমএলএ লিডার কানন চক্রবর্তীজি, তারপরে এখানে আবার বসে আছেন আমাদের হিরো দমন দমদার হরিরাম সিং, ডেপুটি মেয়র আমার ছোট ভাই অভিজিৎ ঘাটক আর মসিমুল হক এখানে বসে আছেন। গাঙ্গুলিজি গাঙ্গুলি এত ভালো কাজ করছেন এখানে, ওনাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করি আমরা। আরও এখানে আমাদের ভেরি ড্যাশিং ডাইনামিক গুড লুকিং কালেক্টর ডিএম সাহেব আসানসোলের ডিএম, এ আমারা সৌভাগ্য হ্যাঁ ইতনা আচ্ছা গুড লুকিং স্মার্ট ডিএম মিলা হ্যাঁ আমকো উনকো উনকো আমি স্বাগত করতা হুঁ। হমারি এক ফিল্ম আই থি বড়া পপুলার হুয়া থা, উসকা নাম থা বিশ্বনাথ। তো এসে বিশ্বনাথ বাউরি জি ব্যাঠে হ্যাঁ ইয়হাঁ পে জিলা পরিষদ কে চিফ, এসে বিশ্বনাথ জি কো প্রণাম করতা হুঁ, ধন্যবাদ দেতা হুঁ। আর লোকীয় পেরেন্টস এন্ড হাই কি পারফরমেন্স অমনাচার্য জি বাবু বসেছেন এখানে, আপ লোক কি বেজে সে উনসে দর্শন হতে বলনা ইতনা বিজি রহতা হ্যায়। অমরনাথ ইতনে লোক কি অ্যাপিয়ারেন্স হাই কি পারফরমেন্স বহুত বিজি রহতা হ্যায়। থ্যাঙ্কস টু আসানসোল ফেস্টিভ্যাল কি উনসে দি মুলাকাত হুই হ্যায়। মানে তমাম ইয়হাঁ পে ডিস্টিংগুইশ গেস্ট জিতনে লোক ব্যাঠে হ্যায় স্টেজ পে और जो लोग नहीं बैठे हैं पर्दे के पीछे हैं, जो बहुत बड़े टेक्नीशियंस हैं, आज इतना बढ़िया म्यूजिकल ट्रूप आया है, उसके जितने आर्टिस्ट लोग हैं और खासकर अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त बहुत बढ़िया, यानी बंगाल की आन बान शान सौरभ गांगुली और उनकी धर्म पत्नी धर्मपत्नी डोरा सिंह, जिनका आज कार्यक्रम होगा इसके बाद, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, उनको भी प्रणाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। देवाशीष बाबू बैठे हुए हैं, बीसी साहब हमारे बीबी कॉलेज के प्रिंसिपल साहब बैठे हैं अमिताभ जी, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ। और सबसे ज़्यादा आसनसोल इस फेस्टिवल में आए हुए हमारे तमाम भाई और बहनों को मैं आपका अपना शत्रुघ्न सिन्हा या आपका अपना बिहारी बाबू या फिर आपका अपना बंगाली बाबू या सही मायने में आज हिंदुस्तानी बाबू आपको प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यहां पे मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बेसि समय ले बोला अभी तारी शेष कर आपनी प्रोग्राम जो बसे आखबें अपनी कितु तार आगे भी बोलते चाह कि जितना मार्जिन से रिकॉर्ड मार्जिन से आपके आशीर्वाद से
ममता जी के नेतृत्व में, ग्रेट लीडर ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में मनोज घटक और इनकी तमाम टीम, हरे राम बाबू हैं कि हमारे नारायण बाबू हैं कि तापस बाबू हैं कि उज्ज्वल बाबू हैं कि अभिजीत घटक हैं, वसीमुल हक हैं, इन तमाम लोगों के सहयोग से जिस रिकॉर्ड मार्जिन से हाँ आपने हमारी जीत हासिल की, वो जीत दरअसल मेरी जीत नहीं थी। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा फोर्स से आपने आसनसोल में रिकॉर्ड कायम किया, जिसको कहता हूं मेरी जीत, वो मेरी जीत नहीं थी, दरअसल वो आपकी जीत थी, आसनसोल और बंगाल की जनता की जीत थी और ममता बनर्जी जी के नेतृत्व की जीत थी, उनके प्रति लोगों का विश्वास, उसकी जीत थी। और तब से मैं आसनसोल में आप जानते हैं हर महीने कम से कम 10 दिन 12 दिन 15 दिन रहता हूँ यहाँ पे, दो दो तीन तीन बार आता हूँ एवरी मंथ। कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं है जो आज तक मिस हुआ हो हमारा आसनसोल में या बंगाल में, दुर्गा पूजा का हो मामला, दुर्गा पूजा हो या ईद का मामला हो, बकरीद का मामला हो, क्रिसमस का मामला हो या फिर पवित्र पावन पर्व छठ का मामला, ये लगता रहा क्योंकि आपका जादू सर चढ़ के बोलता है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जब मैं आसनसोल आया तो सबसे ज्यादा मुझको जो इंप्रेस किया, प्रभावित किया, वो मैंने पाया कि सही मायनों में आसनसोल सिटी ऑफ ब्रदरहुड है, भाईचारे का शहर है, सर्व धर्म समभाव का शहर है, यानी कि हर मजहब के लोग, हर जाति हर जात के लोग एक दूसरे का पर्व त्यौहार मनाते हैं। हर त्यौहार में, हर फेस्टिवल में, पिछली बार देखा आसनसोल फेस्टिवल में था यहाँ पे, आज फिर देख रहा हूँ और बाकी चारों तरफ देख रहा हूँ, आर्ट एंड कल्चर के लिए लगाव तो है ही, साथ ही साथ सर्व धर्म समभाव है, गजब का है, लोगों को सीखना चाहिए, आसनसोल से लोगों को सीखना चाहिए, पूरे हिंदुस्तान को, विश्व को, कि कैसे सब लोग यहां मिलजुल के रहते हैं, कैसे एक दूसरे का पर्व त्योहार या फेस्टिवल मनाते हैं जैसे आज मना रहे हैं। एक चीज